हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार प्रयोग करेंगे। पाठ गटरू गधा के अंतर्गत यह देखिए, मैंने पानी लिया है। पहले मैं क्या करूँगी, एक कटोरी में यह नमक डाल देती हूँ। क्या होगा, सारा नमक धीरे धीरे पानी में घुल जाएगा। यह देखिए, नमक पानी में घुल गया ना। अब हमें पता नहीं चल रहा है नमक कहाँ है, यह पूरी तरह पानी में घुल गया। यह है कॉटन बॉल रुई, अभी यह बहुत हल्की है। अब देखिए, जब मैं इसे पानी में डालती हूँ तो क्या होता है। अरे, यह तो बहुत भारी हो गई, इसने कितना पानी पिया है देखिए, है ना बच्चों? इसने बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब किया था। उसी प्रकार अब आप समझ गए, जब गटरू के पीठ पर नमक लदा था और वह पानी में गिर गया तो उसका सारा नमक पानी में घुल गया और उसका बोझ हल्का हो गया। और जब दूसरी बार वह जब रुई से लदा था और पानी में बैठ गया तो रुई ढेर सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे उसका बोझ बढ़ गया, उसकी भार बढ़ गई। यह प्रयोग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप भी अपने घर पर कीजिएगा। कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।